नगर परिषद ऊना के वार्ड नंबर 10 में नेहरू युवा केंद्र और महिला मंडल के तत्वावधान में स्वच्छता व पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 70 के करीब महिलाओं को पौधे वितरित किए गए ताकि वे अपने घरों में इन पौधों को लगा सकें। वहीं वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया जिसमें हरियाली का संदेश दिया गया, पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया। पौधारोपण क्यों जरूरी है इसको लेकर नगर परिषद के ईओ संदीप ने अपना संदेश दिया। वहीं नगर परिषद की अध्यक्ष पुष्पा चौधरी व पार्षद उर्मिला ने भी लोगों को जागरूक किया। आज वार्ड नंबर 10 में उपस्थित हमारे ईओ साहब संदीप कुमार जी और उनके साथ नगर परिषद के विजय कुमार जी और वार्ड नंबर 10 से उर्मिला चौधरी, वार्ड नंबर 1 से सीमा दत्ता जी आए हुए पौधारोपण के लिए। 9 से 15 तारीख तक जो है हमने हर वार्डों में पौधारोपण करना है। इसमें वार्ड नंबर 10 में आज बढ़ चढ़ कर हमारे साथ सभी लेडीज आई हुई हैं, तो मैं इनका भी सबका आर्थिक अभिनंदन करती हूँ जो कि हमारे साथ हर टाइम जुड़ी रहती हैं। अब हमने सारे वार्डों में ऊना के 11 वार्डों में हमने हर वार्डों में जाकर के पौधारोपण करना है 15 तारीख तक। आज वार्ड नंबर 10 में पौधारोपण किया जा रहा है जिसमें हमारे बीच में हमारी नगर परिषद की प्रेसिडेंट पुष्पा चौधरी जी और हमारे साथ हमारे कमेटी के सर ईओ सर संदीप सर जी और उनके साथ आए हुए विजय कुमार सर जी और हमारी सीमा दत्ता जी और हमारे बीच वार्ड के जो बहुत ही माननीय हमारे बीच में हरिओम पनोट जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और मेरी वार्ड की जो हमारी महिला मंडल की महिलाएं हैं आज बहुत अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में एकत्रित हुई हैं। मैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे 9 से जो 15 तक रात पौधारोपण किया जा रहा है तो हम महिलाएं मिलकर और वार्डों में जाकर भी जो पौधारोपण का जो कार्य करेंगे और साफ सफाई का भी जो है वो भी अच्छे ढंग से करेंगे। और हमारे बीच सभी महिलाएं नेहरू युवा केंद्र का भी हमारा है, मैं महिला मंडल समिति की भी प्रधान हूँ, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से भी हमारे बीच हमारी महिलाएं आई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनका भी एक कार्यक्रम है वो भी हम आज साथ में कर रही हैं। इसी के साथ हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मेरे पत्रकार बंधु जो अपना कीर्ति सवन काल कर आए हैं इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि सबको पता है कि हिमाचल में 9 से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज पहले दिन साफ सफाई की जा रही है और पौधारोपण किया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज वार्ड नंबर 10 में पौधारोपण किया गया है।